प्रकार में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोरोना अपडेट। हरियाणा में कंफर्म केस 9218, रिकवर्ड 4556, डेथ 134, कंफर्म इन इंडिया 381,000, रिकवर्ड 205,000 और डेथ 12,500। हरियाणा के 21 जिलों में 525 नए पॉजिटिव मिले, 10 और मौत और 9,744 पुलिस कर्मी। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की चेन मजबूत की जा रही। 24 घंटे में सूबे के 21 जिलों में 525 नए मामले के सामने, जबकि 10 और मौत इस संक्रमण से गई। पुलिस कर्मित मरीजों की संख्या अब 9,744 हो गई है, जिसमें से 4,800 मरीज ठीक हो गए, जबकि 144 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी की दर भी बढ़कर 50.18% हुई है। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी सस्ता हुआ कोरोना। सब चुकाने होंगे 2400 रुपये। हरियाणा में कोरोना का टेस्ट अब 2400 रुपये में होगा। सरकार ने टेस्ट के रेट की संशोधित दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी हैं। मार्च में कोरोना के 5,45 रुपये टेस्ट रेट तय की गई। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। कोई भी निजी प्रयोगशाला कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट के लिए 2400 रुपये से ज़्यादा शुल्क नहीं लेगी। पिता ने 1.5 एकड़ जमीन बेचकर एजेंट के माध्यम से बेटी को अमरीका भेजा, 8 महीने तक जेल में। बेहतर भविष्य के लिए पीपलथा निवासी अमनदीप की अमरीका जाने की हसरत में उसे जेल भेजा। उसके लिए उसके पिता ने 1.5 एकड़ जमीन भी बेची, लेकिन अमनदीप 8 महीने तक मैक्सिको और अमरीका जेल में रहने के बाद वतन लौटाया। अब एजेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। अमनदीप ने बताया कि उसने एजेंट को 23 लाख रुपये दिए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीपलथा गांव निवासी अमनदीप ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि अमरीका जाना चाहता था, इसके लिए उसने कैथल जिले के अमरीक से मिला। अमरीका जाने के लिए 20 अप्रैल 2019 को उसे दिल्ली से हवाई जहाज में बैठा दिया गया। अमरीक सिंह ने कहा कि 1 सप्ताह में उसे अमरीका भेज दिया जाएगा। उसने बताया कि उसे दिल्ली से मैक्सिको ले जाया गया, जहाँ यहाँ एयरपोर्ट पर मैक्सिको पुलिस ने अवैध तरीके से देश में नागरिक होने पर जेल में डाल दिया। यहाँ से वह अमरीक सिंह से बात करता रहा। 55 दिन बाद मैक्सिको जेल से उसे रिहा कर दिया। अमरीक सिंह के एक व्यक्ति ने उन्हें एक जगह पर रख दिया, यहाँ वे खाना पहुँचा देते। कुछ दिन बाद उन्हें अवैध तरीके से दीवार बांधकर अमरीका में प्रवेश करवा दिया गया। वहां पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद 16 दिसंबर को अहमार को उसके बाद बार बार अमरीक से पैसे लगाने की बात कहता रहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके चलते ही केस दर्ज करवाया गया। स्टोर में नौकरी दिलवाने की हुई थी बात। अमनदीप के अनुसार से अमरीका भेज के समय स्टोर में नौकरी दिलवाने की बात की, लेकिन नौकरी तो कहा पूरा समय जेल में ही बिताना पड़ा। अमरीक सिंह द्वारा मदद नहीं करने पर जब उसने प्रियजनों से बात की तो उन्होंने अमरीक सिंह से संपर्क किया। इस पर अमरीक सिंह ने पूरे पैसे देने की बात कही। यह राशि भी दे दी गई। पैसे मिलने के बाद भी अमरीक सिंह ने कोई मदद नहीं की। पीपलथा गांव निवासी अमनदीप ने अवैध तरीके से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत दी। इस पर कैथल जिला के दुसाना गांव निवासी अमरीक सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की जांच की जा रही है। राजेश कुमार जांच अधिकारी, गढ़ी थाना पुलिस। अमनदीप के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर एजेंट की सेटिंग होती है। यहां से बिना वीजा से मैक्सिको फ्लाइट पर चढ़ा दिया गया। उसके चलते ही उसे वहां से ही पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में पहले से अमरीक सिंह द्वारा भेजे करीब 15 युवक थे। उसके जाने के बाद युवक जेल में आए, वहां पर सेटिंग लगा कर अमरीक सिंह ने जेल से निकलवाया। अधेड़ महिला ने 2 युवकों के द्वारा दुष्कर्म किया। सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव मान और शिया महिला ने युवक पर अपहरण कर एक अन्य युवक के साथ मिलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है युवक से जान से मारने की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चीन के बार एसोसिएशन में काम करने वाला वकील मिला प्रवास कर। नागरिक अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या में 5, 5 माह की बच्ची और निजी अस्पताल की इलाज में कोरोना पॉजिटिव। धन्यवाद।